आयुर्वेदिक कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मोतियों की तरह गोल गोल दिखने वाले साबूदाने में कई प्रकार के पौष्टिक तत्व और आयुर्वेदिक गुण मौजूद होते हैं, जो शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। दरअसल कसावा एक तरह का पौधा होता है, जिसकी जड़ से ही स्टार्च निकाले जाते हैं, लेकिन ये स्टार्च लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसके बाद इसे मशीनों की सहायता से ठोस मोतियों जैसा छोटे छोटे दानों का रूप दिया जाता है। इसे ही हम साबूदाना कहते हैं। हालांकि साबूदाना से होने वाले फायदों से काफी लोग अनजान हैं, इसलिए हम आज बताने वाले हैं साबूदाना से होने वाले 7 बड़े फायदे के बारे में, जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में साबूदाने से होने वाले फायदे और साथ ही साथ इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसके बारे में जानना आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। नंबर 1, हड्डियों को बनाए स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, आजकल के खानपान की वजह से हड्डियां कमजोर और पतली होती जाती हैं, जिसके कारण उम्र होने पर गठिया और बात जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, तो साबूदाना आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में फायदेमंद साबित होता है। आपको पता होना चाहिए कि साबूदाने में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, जो हड्डियों के विकास के साथ ही उन्हें मजबूती भी प्रदान करता है। इसके अलावा इसका सेवन करने से यह आयरन ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों के विकार को भी दूर करता है। साबूदाने में मौजूद मैग्नीशियम हड्डियों को ब्रोकेज से बचाने और कई समस्याओं से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। नंबर 2, वजन बढ़ाने के लिए फायदेमंद। साबूदाने में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट दोनों का सेवन करने से वजन बढ़ता है, क्योंकि ये दोनों ही शरीर में ऊर्जा को अवशोषित कर फैट को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए जो लोग दुबलेपन के शिकार हैं, उनके लिए साबूदाने का सेवन काफी फायदेमंद माना गया है, जो उन्हें दुबलेपन से बचाता है और शरीर को हष्टपुष्ट एवं मजबूत बनाता है। नंबर 3, हाई ब्लड प्रेशर को करे कंट्रोल। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करने में साबूदाना काफी लाभदायक है। इसमें पाया जाने वाला फाइबर, पोटेशियम और फास्फोरस आपके बढ़ते हुए रक्तचाप को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। साबूदाने में कम मात्रा में सोडियम होता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी में साबूदाने का सेवन करना फायदेमंद साबित है। इसके अलावा साबूदाने में मौजूद पोटेशियम हृदय रोगों की समस्या के साथ साथ उच्च रक्तचाप की समस्या को भी दूर करने में काफी सहायक है। नंबर 4, शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने में मददगार। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, साबूदाने का सेवन खासकर उपवास या व्रत में किया जाता है। इसके पीछे का रीजन यही है कि यह शरीर को एनर्जी प्रदान करता है और शरीर को किसी भी तरह की शारीरिक प्रॉब्लम से बचाता है। इसे व्रत में खाने से एक मुख्य कारण यह भी माना गया है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है, जिसके साथ साथ कैल्शियम और विटामिन भी पाए जाते हैं। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। सुबह सुबह नाश्ते में साबूदाने का सेवन आपको पूरा दिन एनर्जेटिक बनाए रखता है। नंबर 5, त्वचा के लिए फायदेमंद। साबूदाना शरीर के साथ साथ त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। इसमें जिंक, कॉपर और सेलेनियम की मात्रा होती है, जो त्वचा के लिए काफी मददगार होते हैं। जिंक सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करता है। वहीं कॉपर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से त्वचा की रक्षा करते हैं, जिससे स्किन कैंसर होने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। नंबर 6, एनीमिया को करेगा दूर। हमेशा थकान, कमजोरी और सीने में दर्द महसूस करना एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। शरीर में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की कमी और कमजोरी के साथ ही आयरन की कमी के कारण एनीमिया की बीमारी हो सकती है।
इस समस्या में साबूदाने का सेवन बेहतर साबित होता है। साबूदाने में मौजूद आयरन फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। इससे एनीमिया और इससे होने वाली परेशानी को चुटकियों में दूर किया जा सकता है। नंबर 7, रक्त संचार के लिए फायदेमंद। दोस्तों, बेहतर रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए साबूदाने का सेवन बेहद मददगार है। इसमें पाए जाने वाले फॉलेट आपकी रक्त संचार प्रणाली को मजबूत बनाने में सक्षम होता है। फॉलेट में फॉलेट एसिड मौजूद होती है जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने के साथ साथ धमनियों में हो रहे रक्त प्रभाव को भी बनाने में मदद करती है। साबूदाने का सेवन आपको कई बीमारियों से बचाता है और हेल्दी रहने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद साबूदाने के फायदे होने के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जो आपकी परेशानी को घटाने के बजाय बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं इनसे होने वाले कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। नंबर 1, डायबिटीज को बढ़ाए। साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है जो शरीर में रक्त शर्करा यानी कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है। साबूदाने में ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता, लेकिन अगर आप इसका सेवन रोजाना करेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए साबूदाने का सेवन करने से मना किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको डायबिटीज की समस्या है और शुगर लेवल हाई रहता है तो साबूदाना न खाएं, क्योंकि ऐसा करने से इससे शुगर लेवल और बढ़ जाएगा। यह स्टार्च से भरपूर फूड है, इसलिए भी डायबिटीज रोगियों को स्टार्ची फूड जैसे कि व्हाइट राइस, आलू, साबूदाना आदि खाने से परहेज रखना चाहिए। नंबर 2, किडनी स्टोन की समस्या बढ़ाए। जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें साबूदाने खाने से सख्त मना किया जाता है, क्योंकि साबूदाने का सेवन करने से किडनी स्टोन की समस्या बढ़ने लगती है और इससे मरीज को परेशानी हो सकती है। नंबर 3, पाचन संबंधित समस्या बढ़ाए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम मजबूत हो। यदि आप प्रतिदिन साबूदाना का सेवन करते हैं तो आपको पाचन संबंधित समस्या जैसे कि ब्लॉटिंग और कब्ज हो सकती है। इसलिए भोजन के पचने से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो तो साबूदाने का सेवन करना बंद कर दें। तो दोस्तों, देखा आपने कि साबूदाने का सेवन करने से हमारे शरीर को कितना लाभ पहुंचता है और किस तरह से साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी साबूदाने के फायदे और इन साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चल सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको वीडियो से संबंधित हर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।